Welcome to I and You Foodie. Today we are making delicious and easy to make snacks perfect for rainy season. Potato chaap. तो हम यहाँ सबसे पहले आलू को पील कर लेंगे. पील करने के बाद हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे. कट कर कर हम इसको साइड में रख लेंगे. तो मैं यहाँ पर पैन ले रही हूँ. पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे. ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून चना ग्राम ले रही हूँ, रोस्टेड ग्राम, और 2 टेबलस्पून पीनट्स. इन दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे ऑयल में. अच्छे से भूनने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे. तो मैं इसी पैन में जो हमने पोटैटो कट कर कर रख लिया था, उस पोटैटो को हम इसमें ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको भी रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे हम इसको. अगर आप चाहें तो बॉयल पोटैटो का भी आप इस स्टैट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर रोस्टेड पोटैटो इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस चाहिए था चैट में, इसीलिए. तो अच्छे से हम इसको थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे. भूनने के बाद हम इसको भी निकालेंगे. तो देखिए, ये थोड़ा सा हमारा लाइट ब्राउन हो गया है. होने के बाद हम इसको भी एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे. निकालने के बाद तो मैं यहाँ पर पोटैटो ऐड कर रही हूँ, जो हमारा पोटैटो हमने रोस्ट कर लिया था. अब हम इसमें पीनट और रोस्टेड ग्राम्स में हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद धनिया इसमें ऐड करेंगे. धनिया और ग्रीन चिली, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला. और मैं इसमें यहाँ पर हाफ लेमन का भी इस्तेमाल करूँगी. हाफ लेमन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, हाफ लेमन. और हम इसमें चॉप ऑनियन भी ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे. तो हमारी यहाँ पर पोटैटो चाट बनके तैयार हो गई है. तो इसको ज़रूर बनाइए और शेयर कीजिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Thanks for watching my channel I and You Foodie.